हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू प्रवीण कथुरिया किचन। आज मैं 15 डेज पराठा चैलेंज की रेसिपी स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं डेली 15 दिन तक पराठे की रेसिपी डालूंगी, अलग अलग पराठे आपके लिए लेकर आऊँगी। और ये देखिए, आज मैंने करेला पराठा बनाया। ये मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, नमक, मिर्च, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, बेसन, चावल का आटा और हल्दी। अब मैंने एक बाउल लिया है, बाउल के अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप आटा, होल व्हीट फ्लोर डाला मैंने। इसके बाद बेसन डाल रही हूँ इसके अंदर मैं, 1 टेबलस्पून बेसन डाला मैंने, 1 टेबलस्पून चावल का आटा डाला है क्योंकि इससे बहुत क्रिस्पी बनेगा पराठा हमारा। नमक डाला अब मैंने इसके अंदर, 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है इसके अंदर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डाला है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा पराठे का। इसके बाद अमचूर पाउडर डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून, इससे टैंगी टेस्ट आएगा। और जीरा पाउडर डाला है 1 टीस्पून। अब ये अजवाइन डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून इसके अंदर, इसको थोड़ा क्रश करके डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी इसमें से। अब इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ मैं, 1 टेबलस्पून ऑयल डाला मैंने। इसके बाद मैं करेले का छिलका डाल रही हूँ। करेले के छिलकों को मैंने पहले करेले को ग्रेट कर लिया था, उसके बाद पानी में नमक डाल के इसमें रख दिया था ताकि इसकी कड़वाहट दूर हो जाए। और इसको अच्छी तरह से फिर 5-10 मिनट के लिए रख दिया था, फिर निचोड़ लिया था अच्छी तरह से। और ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनेगा, ये पराठा बहुत टेस्टी पराठा बनेगा और बहुत क्रिस्पी बनेगा ये। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे पहले अच्छी तरह से। बाकी सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इसके बाद पानी डाल रही हूँ मैं, पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डलेगा। इसका डो तैयार करना है हमने, जैसे हम रोटी के लिए डो तैयार करते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट ही डो तैयार करना है ताकि पराठा हमारा इजीली बन जाए। हार्ड डो तैयार नहीं करना, सॉफ्ट डो ही लगाना है हमने इसका। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है क्योंकि ज़्यादा पानी डलेगा नहीं इसके अंदर। ऑयल भी डाला हुआ है हमने। अब इसका डो तैयार कर लेंगे अच्छी तरह से, अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे। थोड़ा पानी और डाल रही हूँ मैं हल्का सा, अच्छी तरह से मसल लेंगे इसको। इसके बाद इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगाया मैंने इसके ऊपर और इसको फिर से मसल लेंगे अच्छी तरह से। बिल्कुल स्मूथ सा डो तैयार हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा ऑयल डाला मैंने इसके ऊपर बस। अब ये देखिए कितना सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। अब एक लोई ले लेंगे इसमें से, इसको बेल लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत टेस्टी बनता है पराठा और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है क्योंकि करेले का पराठा है ना, करेले के छिलके का पराठा बनाया मैंने। अब डेली आपको नए नए पराठे मिलेंगे, पराठे की वीडियोज़ मिलेंगे, पराठे की रेसिपीज़ मिलेंगी मेरे चैनल पे आपको। डेली मैं कोई ना कोई पराठा लेके आऊँगी और आपको फिर दिक्कत भी नहीं होगी। जैसे डेली मैं पराठे की रेसिपी डालूँगी फिर आपको फटाफट आप देखोगे कि कौन सा पराठा बनाना है, आप देख के जल्दी से बना लोगे। कोई भी पराठा सोचना ही नहीं पड़ेगा कि क्या बनाएं क्या बनाएं, ब्रेकफास्ट में कौन सा पराठा बनाएं, इसे आप इजीली देख के और बना लोगे। अब इसके ऊपर घी लगा रही हूँ, देसी घी लगा रही हूँ मैं। देसी घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छी तरह से फैला लेंगे देसी घी को, इसको फोल्ड कर लेंगे। अब मैं ट्राइंगल बना रही हूँ, आप कोई भी शेप दे सकते हो इसकी। अब इसके ऊपर दोबारा से घी लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी, इसको एक और फोल्ड कर देंगे। देखिए ऐसे करके। अब थोड़ा सा सूखा आटा लगाऊंगी मैं। इसके बाद बेल लेंगे इसको अच्छी तरह से। जैसे हम पराठा बनाते हैं जितने साइज का उतना ही बेलना है इसको, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना। देखिए ऐसे करके बेल रही हूँ मैं।
अब ये रेडी हो गया, ऐसे करके दूसरा भी मैं बेल लूँगी। इसके बाद मैंने तवा लिया है, तवा गरम कर लिया था, उसके ऊपर डाल दिया पराठे को। अब इसकी साइड चेंज कर दी मैंने, पक गया हल्का सा। अब दोबारा साइड चेंज कर रही हूँ। अब देसी घी लगा रही हूँ इसके ऊपर से, इसको अच्छी तरह से सेक लेंगे देसी घी लगा के। दोनों साइड से अच्छी तरह से इसको सेक लेंगे। दूसरी साइड भी घी लगा रही हूँ मैं देसी घी, इसको इस साइड से भी सेक लेंगे। दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे ताकि थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। वैसे ही इसमें चावल का आटा भी डाला था तो क्रिस्पी ही बनेगा, थोड़ा सा बहुत टेस्टी लगेगा आपको ये, और बच्चों को तो बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा ये किस चीज़ का पराठा है, इसलिए मैंने धनिया भी नहीं डाला। धनिया का टेस्ट आ जाता है ना, तो इसमें तो पता ही नहीं चलेगा कि करेले का पराठा है ये। और उनको पसंद भी बहुत आएगा क्योंकि कड़वा तो होगा ही नहीं, करेला कड़वा नहीं है बिल्कुल भी इसमें। अब ये पराठा रेडी हो गया देखिए, तो चलिए इसको सर्व करते हैं। कर्ड और बटर के साथ इसको मैंने सर्व किया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए मेरी वीडियोस का, मेरी रेसिपीज़ का। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।